फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी स्मूदी। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना स्मूदी। इसको बनाना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ये सबको बहुत पसंद आती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक ग्रुप पर। मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक ये रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए देखते हैं बनाना स्मूदी बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। हमें सबसे पहले चाहिए दूध। ये मैंने एक ग्लास दूध लिया, 4 से 5 बादाम और 2 मीडियम साइज राइप्ड केले लेने हैं। आइए देखते हैं इसको फर्दर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये मैंने ब्लेंडिंग जार लिया है। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। हम सबसे पहले डालेंगे 4 से 5 क्यूब्स आइस के, जिससे कि ठंडा हो। ये मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए। अब मैं डालती हूँ इसमें दूध, एक ग्लास दूध, 4 से 5 आलमंड और राइप बनाना के पीसेस करके डालती हूँ। ये मैंने केले डाल दिए। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। बनाना अपने आप में ही बहुत मीठा होता है, हमें इसलिए कोई एडेड शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसकी और कैलोरीज नहीं इंक्रीज करेंगे। ये मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब हम जार को ब्लेंडर से उतार लेते हैं एंड अब हम बनाना स्मूदी को ग्लास में टर्न करते हैं। ये मैंने ग्लास लिया, इसमें मैं 1 से 2 आइस क्यूब्स डालूंगी। ये मैंने 2 आइस क्यूब्स डाले। अब हम इसमें बनाना स्मूदी टर्न करेंगे। और इसको हम गार्निश करेंगे थोड़े से क्रश्ड आलमंड से। ये मैंने बादाम क्रश किए हुए हैं और मैं उनसे इसको गार्निश कर दूंगी। तो ये लीजिए, हमारी बनाना स्मूदी बिल्कुल तैयार है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी एंड बहुत न्यूट्रिशियस है एंड ये यम्मी और डिलीशियस भी बहुत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।